गाइज़ वेलकम टू माई ब्लॉग चैनल रुचिता विजय ब्लॉग्स में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। और मैं आज बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ इस कमरे में। जब से मैं घर से आई हूँ, मतलब अपनी ससुराल से आई हूँ, तब से मैं ये पहला वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ इस घर में। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं पिछले 6 महीने से अपने ससुराल में थी और काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। तो मैंने बीच में वीडियो बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। मैंने आप लोगों के साथ एक ट्रैवलिंग वीडियो शूट किया था जो मैंने ऐसे ही शूट कर लिया था, पर मन में कहीं ना कहीं निराशा आ गई थी कि अब वीडियो नहीं बनाऊंगी, ब्लॉगिंग छोड़ दूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक बार यूट्यूब पर आ जाते हो और ब्लॉग डालने लगते हो तो फिर आपके ये चीज़ ना आदत में शामिल हो जाता है। ये भले ही मेरे चैनल को 1 साल होने वाला है अभी और मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, ना ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं अभी और ना ही मेरा 4000 वॉच टाइम, 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हुआ है। तो यही मैं सोच रही थी कि क्या मुझे अब ये चैनल जो है वो बंद कर देना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए वीडियो। तो वहाँ से आते वक्त, एमपी से आते वक्त मैंने यही सोचा था कि मैं अब वीडियो नहीं बनाऊँगी, ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो लाइफ टाइम के लिए यादगार रहती हैं, वो सारी चीज़ें। जैसे मैंने अभी कल या परसों में एक ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं बहुत दिन के बाद अपने गांव गई थी, वो भी अपने पति के साथ। तो ये एक हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार वाले पल हैं कि यार हम लोग वहाँ गए थे। और कभी जब मन करता है ना देखने का तो हम उस चीज़ को ओपन करके देख लेती हूँ। मैं तो स्पेशली मैं देखती हूँ अपने वीडियो, प्रेगनेंसी टाइम के वीडियो देखती थी जब कभी मन होता है कि यार देखते हैं कि उस टाइम पे कैसा लगता था, कैसी थी मैं, कैसा मेरा बच्चा था। तो मैं अपने ही वीडियो देख लेती हूँ उठाकर, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, पर मैं कंटिन्यू करूंगी। और यहाँ पे इस घर में मायके आने के बाद ये मेरा पहला वीडियो है, माय फर्स्ट व्लॉग इन माय होम, जो कि मैं जब बनाती थी जब बाबू को हॉस्पिटल से लेकर आई थी वहाँ से, गोंडा से, और उसके बाद मैं आज बना रही हूँ यहाँ पर व्लॉगिंग। काफ़ी दिनों से आई हुई हूँ, मुझे 10-12 दिन हो गए हैं, ऊपर ही हो गए हैं। तो मैं कोई भी व्लॉग नहीं शूट कर रही थी, पर मैं कंटिन्यू अब व्लॉगिंग करूँगी क्योंकि मेहनत करूँगी तभी मुझे कुछ मिलेगा। अगर इस साल मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो क्या हुआ, मैं अभी मेहनत करती रहूँगी, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। और चैनल दूसरा बनाने की मैं सोच रही थी, यहाँ पर मेरे काजल लगा हुआ है, कोई बात नहीं। तो मैं दूसरा चैनल बनाने के लिए भी सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि ये वीडियो जो है वो मैंने सेव करके रखे हैं, वो डिलीट हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं यही वीडियो, यही चैनल रखूँगी और इसी पे वीडियो डालती रहूँगी। जब मोनेटाइज होना होगा तब मोनेटाइज होगा, जब जो होना होगा वो होगा। मैं तो अपनी मेहनत करती रहूँगी, शायद मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और 1 साल होने वाला है मेरे चैनल को जिस पे मैं काम कर रही थी लगातार, पर मुझे कुछ भी अभी हासिल नहीं हुआ है, वो मेरी कहीं ना कहीं गलती होगी, कोई बात नहीं। तो आप लोगों से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छे लगते हैं तो आप लोग बस इतना करिएगा कि कमेंट करके बताइएगा कि आपके ब्लॉग में ये कमी है, तो मैं आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों की सलाह से। तो इसी के साथ
मिलूंगी फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।